नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे सोने की कीमतों में वृद्धि और महामारी। तो हम पढ़ेंगे कि आखिर सोने की कीमतों में क्यों वृद्धि हो रही है और महामारी से उसका क्या क्या जोड़ है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य अध्ययन पेपर तीन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अब लेक्चर की तरफ जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। हमारा एक संसार डीसीए है जिसमें करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं रोजाना हिंदी में, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि संसार डीसीए कितना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए। जो आज जुड़ रहे हैं हमसे उनको मैं बता दूं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना हो सके आप संसार डीसीए पढ़िए और उसकी वजह से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस निकालना। ठीक है, अब ये जो संसार डीसीए है वो 600 रुपए का है, पर अगर अभी आप कोड राखी यूज करेंगे RAKHI तो आपको ये संसार डीसीए पड़ेगा 499 रुपए का। तो राखी के अवसर पे हमने छूट दी है 101 रुपए की। तो जितनी जल्दी हो सके जाइए संसार डीसीए खरीदिए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लेक्चर के बारे में। अब तो हाल ही में अभी क्या हुआ है, सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और अभी हाल ही में भारत में सोने की कीमत 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है और वो उस स्तर को भी पार कर गई है। ठीक है, अब सोना हमें पता है भारत में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे जो समारोह होते हैं जैसे शादी वगैरह उसमें इस्तेमाल होता है, फिर जो गृहिणी है भारत में उनके लिए जमा पूंजी है सोना, तो इसलिए सोना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है और ये प्रति 10 ग्राम के लिए इसने 50,000 रुपए का भी स्तर पार कर लिया है। अब ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था खिली हुई है, डगमगाई हुई है, उस समय सोने की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात है कि चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। तो चीन के बाद आता है भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। ठीक है, तो अब पहले अगर मैं 2020 के पहले 6 महीने में देखूं तब भी सोने का प्रदर्शन काफी शानदार था और मार्च महीने में इसका जो निचला स्तर है उसमें लगभग 25% की वृद्धि देखी गई थी। फिर जो लंदन में सोने का वायदा बाजार है उसने बताया कि जो सोने की कीमत 2020 में वो है $1,856.60 पर ट्रॉय ऑन्स। अब ये जो ट्रॉय ऑन्स है वो एक ट्रॉय ऑन्स की होता है लगभग 31 ग्राम के बराबर। अब ये जो कीमत है 2020 में सोने की वो 2011 की कीमतों के बराबर, लगभग बराबर आप कह सकते हो, जब 2011 में एक ट्रॉय ऑन्स की कीमत थी $1,920, तो इतना था, और 2020 में भी लगभग उसके बराबर आ गया है। ठीक है, अब ये जानकारों का उनका मानना है कि जो सोने की कीमत और मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है उसमें मुख्य कारण है जो कोरोना वायरस के कारण लगातार बढ़ती हुई अनिश्चितता है उसके कारण। अब लोगों को नहीं पता दुनिया में क्या होने वाला है, कोरोना वायरस कब खत्म होने वाला है, हम सब एक महामारी के बीच में है, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आगे के समय को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब सोना वो एक अत्यधिक तरल पदार्थ है, तो आप उसको उसकी कीमत में बदले बगैर तुरंत खरीद और बेच सकते हो। इस कारण जो सोने की मांग है वो बढ़ती जा रही है और लोग उसको खरीद के अपना जो आने वाला समय उसको सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोरोना वायरस के चलते और क्या हो रहा है, जो वैश्विक अनिश्चितता है वो बढ़ रही है, फिर डॉलर कमजोर हो गया है, अब जो पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसके साथ यूएस भी बढ़ रहा है, तो उस वजह से जो डॉलर है वो कमजोर हो रहा है, फिर ब्याज दर में कमी देखी जा रही है। अब जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो लोगों को मजबूत करने के लिए, ठीक है,
ताकि वो और मांग करे। उसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे रही है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपना फ्यूचर उसको सुरक्षित करने के लिए। फिर अमेरिका और चीन के मध्य तनाव तो चल ही रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, और सोने की आपूर्ति वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो पिछले कुछ वर्षों में सोने की आपूर्ति में प्रति वर्ष लगभग 1.6% की वृद्धि देखी गई है। तो सोने की आपूर्ति भी बढ़ी है। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से सोने का जो दाम है और उसकी मांग है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब सवाल उठता है, तो क्या सोने में निवेश करना एक सुरक्षित मार्ग है? अभी इस समय को देखे तो मैं कहूंगी सोने में निवेश करना काफी सुरक्षित होगा, क्योंकि जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि 18 से 24 महीने में जो सोने की कीमत है वो लगभग 65,000 रुपीज प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। तो इतना हो सकता है सोने का दाम। तो उस हिसाब से देखे तो सोने में निवेश करना काफी सुरक्षित मार्ग होगा। ठीक है, तो अब देखा जा रहा है, तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सोने में निवेश करना एक सुरक्षित मार्ग है या नहीं। तो जब भी दुनिया भर में शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बॉन्ड आदि के मूल्य में गिरावट देखने को मिलती है, तो निवेशक जो है वो सोने में निवेश करने का रुख कर लेते हैं। अब ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि सोना एक अत्यधिक तरल पदार्थ है, तो उसमें नुकसान का जो जोखिम है वो काफी कम होता है। अत्यधिक तरल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोने को इसकी कीमत में परिवर्तन किए बिना काफी जल्दी बेचा और खरीदा जा सकता है। तो इसको काफी जल्दी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जब दुनिया भर के जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो शेयर बाजार है, बॉन्ड मार्केट है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, पर सोने की कीमत वो बढ़ रही है, तो उसका कारण यही है। फिर अब जो सोना है वो पारंपरिक रूप से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, इसलिए भी सोने में निवेश करना बहुत ही ज्यादा सुरक्षित मार्ग होगा। अब मैंने अगर सोने में निवेश किया तो उसका प्रतिफल क्या होगा? तो अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो सोने पर किए जाने वाले निवेश पर निवेशकों को काफी अच्छा प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो जो जिन्होंने पहले सोने में निवेश किया उनको काफी अच्छा प्रतिफल मिला। अब वर्ष 1971 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली की समाप्ति के बाद वर्ष 1973 से अब तक सोने की कीमत में औसतन 14.1% की वृद्धि देखी गई है। तो अगर मैं 1973 से अब तक देखूं तो कीमत में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है? अगर मैं औसतन देखूं तो 14.1% की वृद्धि देखी गई है, और पिछले एक वर्ष में सोने की कीमतों में तकरीबन 40% का उछाल देखा गया है। तो इतना ज्यादा जो प्रतिफल है वो बढ़ा है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, कीमत बढ़ेगी तो प्रतिफल बढ़ेगा, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत का सोना बाजार कैसा है? तो विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमान को देखें तो भारतीय घरों में लगभग 24,000 से 25,000 टन सोना जमा हो सकता है। इतना ज्यादा सोना जमा हो सकता है, और भारत में मंदिरों में भी काफी सोना जमा होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो जो भारत में सोना बाजार है वो काफी बड़ा है। अब 2019-20 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 40.45 टन सोना खरीदा था। फिर जो भारत में जो तस्करी बाजार है सोने की वो भी काफी बड़ी है, और प्रत्येक वर्ष लगभग 120 से 200 टन सोने की तस्करी की जाती है। ठीक है, और सरकार ने बीते वर्ष सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सोने का बाजार है वो भारत में काफी बड़ा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि माना जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि थोड़ी सी जो सोने की जो मांग है वो हल्की कम हुई है, वो कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, तो जो 2019 में सोने की मांग थी भारत में वो थी 690.4 टन, फिर 2018 में थी 760.4 टन। अभी जो है 2020 में हम देखें तो विशेषज्ञ कह रहे कि कोरोना वायरस महामारी और जो देशव्यापी लॉकडाउन है तो उसके कारण सोने की मांग में कमी हुई है, क्योंकि लोग बाहर जा ही नहीं पा रहे खरीदने। अब जब दुनिया भर का जो बाजार है वो बंद है तो कैसे लोग खरीदेंगे? इस वजह से क्या है, थोड़ी सी मांग में कमी हुई है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका लेक्चर।
जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं उसके बारे में, और उसका महामारी से क्या रिलेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।